हेलो, आपके सामने एक रेड बटन है। दबा दिया, मजा आया। ओके, तो गाइस आप सभी लोगों को जैसे कि पता होगा गेम के अंदर अपने बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगा 1.6 का अपडेट। तो आज की इस वाली वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। 1.6 के अपडेट के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं गेम के अंदर, क्या क्या न्यू चीजें ऐड होने वाली है एरेंगल मैप के अंदर, कौन सा मोड आएगा, क्या कुछ होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा 1.5 का अपडेट आया था, वहां पर आप सभी को काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे गेम के अंदर, न्यू मोड ऐड हुए थे गेम के अंदर। तो भाई उसी तरीके से 1.6 के अपडेट के अंदर भी बहुत कुछ ऐड होने वाला है। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई 1.6 का अपडेट आपको कब देखने को मिलेगा, कितनी एमबी का होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है आगे चल के। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, एंड तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, और चैनल पे न्यू आ रहे हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके अपने चैनल को बेल आइकन ऑल पे कर लेना, आपको आगे भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो यार आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूं 1.6 के अपडेट के अंदर क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले तो आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो, जैसे ही अपने गेम के अंदर 1.6 का अपडेट आ जाएगा ना, आप सभी का फेवरेट मोड यहां पर रिटर्न कर दिया जाएगा, जिसका नाम होता है इन्फेक्शन मोड। जी हां मेरे भाई, आप सभी को 1.6 के अपडेट के अंदर इन्फेक्शन मोड रिटर्न देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग उसे फिर से खेल सकते हो। अगर आप पबजी मोबाइल पहले से खेलते हो तो आप सभी लोगों को ये तो पता ही होगा, पहले ये हुआ करता था इन्फेक्शन मोड अपने गेम के अंदर, बट इसे रिमूव कर दिया गया था। लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को 1.6 के अपडेट के अंदर वापस देखने को मिल जाएगा, आप सभी लोग इसे वापस खेल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं आप सभी को सबसे पहले एक चीज बता दूं, यहां पर आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो ज़ॉम्बी हुआ करते थे उसके टेक्सचर अलग कर दिए गए हैं, और भाई अपना जो डिफेंडर होता है उसको भी आपको थोड़ा बहुत अलग देखने को मिलेगा, और जो ये मैप होता था, मोड होता था, उसमें भी आपको थोड़े बहुत बिल्डिंग में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बस इतना ही चेंजेस होने वाला है यहां पर, लेकिन आपको ज़ॉम्बी मोड रिटर्न देखने को मिल जाएगा। भाई ये चीज सुन के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, बिकॉज मैं इसे बहुत ज्यादा खेला करता था, मेरा फेवरेट मोड था। मुझे कमेंट करके आप सभी लोग जरूर से बताना आपको ये पसंद था या फिर नहीं, कमेंट करके बता देना। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा 1.6 के अपडेट के अंदर, और तो सबसे पहले यहां पर आप और एक चीज देख सकते हो, आपको जो लोडिंग स्क्रीन देखने को मिलेगी वो कुछ इस टाइप की होने वाली है आपके 1.6 के अपडेट के अंदर। ठीक है, बैक साइड में आपको एक स्पेसशिप देखने को मिल जाती है, और भाई अपनी जो लॉबी होने वाली है जो कि आपको 60 डेज के लिए मिलेगी वो भी यही होने वाली है, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो। पीछे के साइड आपको एक स्पेसशिप देखने को मिल जाएगा, मतलब कि भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और ये एक लेजेंडरी लॉबी होने वाली है जो कि आपको 60 डेज के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसका बैकग्राउंड का थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो 2-4 सेकंड का, उसके बाद में आप सभी लोगों को और कुछ चीजें बता देता हूं। तो गाइस अब आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो, आप सभी को एक स्पेसशिप देखने को मिल जाएगी अपने एरेंगल के अंदर। जैसे कि आप सभी लोगों ने लॉबी में एक स्पेसशिप देखी थी, वो आपको एरेंगल में भी देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। आप सभी को याद ही होगा भाई, अपना जब आया था फेरो तो वहां पर आपको एक टेम्पल देखने को मिला करता था जो हवा में उड़ जाता था और भाई नीचे भी आ जाता था, तो उसी तरीके से यहां पर यह स्पेसशिप होने वाली है। आप इसके अंदर भी जा सकते हो और भाई बहुत अच्छी खासी लूट मिलेगी। सबसे पहले मैं आप सभी को इसके अंदर जाके दिखा देता हूं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो आपको काफी सारी ब्लू लाइट देखने को मिल रही है। तो जैसे ही आप सभी लोग इसके नीचे आ जाओगे यहां पर आपको एक बटन को मिल जाएगा, जैसे ही आप सभी लोग उस पर क्लिक करते हो ना क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो भाई साहब, मैं हवा में उड़ चुका हूं और भाई स्पेसशिप के अंदर एंटर होने वाला हूं, और फाइनली हो चुका हूं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो गजब का स्पेसशिप है, और इसके अंदर आप सभी को इतनी लूट मिलेगी, इतनी लूट मिलेगी, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा। कितने भी बंदे लेके आ जाओ यहां पर आपको लूट की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, 4-5 स्क्वाड तो भाई आराम से लूट की चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी के साथ ही साथ इस स्पेसशिप के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगी काफी सारी लूट क्रिएट, जैसे कि आप सभी लोग यहां पर दे सकते हो। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ना आपको एक नेक्स्ट लेवल की लूट देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप सभी लोग दे सकते हो, आपको स्कोप, वोप, गन, वन सब कुछ मिल जाएगा यहां पर, मतलब लूट की कोई कमी नहीं होने वाली है। यहां पर आप सभी लोग मस्त लूट्स कर सकते हो। और उसके बाद में आप सभी लोगों को बता दूं 1.6 के अपडेट जैसे ही आ जाएगा यहां पर आपको एक न्यू गन देखने को मिल जाएगी जो कि अपने BGMI एंड पबजी के अंदर ऐड होने वाली है, जैसे कि आप सभी लोग यहां पर दे सकते हो। और गाइस इसके एक खास बात होने वाली है, जैसे अपनी VSS स्किन होती है, VSS वाली गन, तो उसके ऊपर ऑलरेडी स्कोप होता है, तो उसी तरीके से इस गन पे ऑलरेडी स्कोप होगा, आप कोई भी स्कोप ऐड नहीं कर सकते। आपको 8x देखने को मिल जाएगा, आप इसे 4x भी कर सकते हो, 8x भी कर सकते हो। यहां पर मैं आप सभी को दिखा देता हूं ड्रॉप के अंदर, जैसे कि आपको गन देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलो यार नीचे चलते हैं, मैं आप सभी को दिखाता हूं इस गन का यूज कैसे करना है और भाई क्या डैमेज होता है इसका। तो फटाफट से नीचे चलते हैं और मैं आप सभी को दिखाता हूं कि भाई कितना डैमेज देती है गन और भाई किस तरीके के देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही आप सभी लोग इस स्पेसशिप के एग्जिट करोगे आप सभी को कुछ इस टाइप के लैंडिंग हो जाएगी, आपका पैराशूट ओपन होगा और आप लैंड कर जाओगे। ठीक है, तो यहां पर एक बॉट आ चुका है, मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूं बॉट को मार के। तो जैसे मैंने स्कोप खोला और भाई एक शॉट मारूंगा और आप देखो क्या होता है,
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, बस एक गोली मारी है और भाई बंदा नॉक हो चुका है और इतना खतरनाक डैमेज है ना, मैं आप सभी को क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका लुक देख सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। जो एमिंग का फायरिंग होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ शॉटगन तरीके से। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मतलब ऑलरेडी स्कोप होने वाला है और इसके अंदर अनलिमिटेड एमओ होने वाली है, ठीक है। मतलब कि आपको एमओ उठाने की कहीं से भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको एमओ पहले से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो यार अब हम बात कर लेते हैं विकेंडी के बारे में। गाइस आप सभी को जैसे कि पता होगा विकेंडी कुछ टाइम पहले अपने मैप के अंदर से रिमूव कर दिया गया था। काफी सारे बंदे पूछ रहे थे कि भाई विकेंडी कहां पर चला गया, हमें फिर से देखने को मिलेगा, हम इसे क्या खेल सकते हैं इन फ्यूचर। तो गाइस आप सभी लोग निश्चिंत हो जाओ, आप सभी लोग फिर से इसे खेल सकते हो, आपको विकेंडी 2.0 देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपको इरेंगल 2.0 देखने को मिला था तो उसी तरीके से आप सभी को देखने को मिल जाएगा विकेंडी 2.0। और भाई इरेंगल 2.0 जैसे ही आया था आप सभी ने एक चीज नोटिस करी होगी, इरेंगल के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी, घर चेंज हो गए थे, भाई रस्ते चेंज हो गए थे, पोचिंग की मिलिट्री बेस क्या क्या बताऊं भाई सब कुछ चेंज हो गया था। तो भाई उसी तरीके से यहां पर आपको विकेंडी में भी काफी सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। जो जो आपको घर के नाम या फिर जगह के नाम थे वो चेंज कर दिए जाएंगे और जो भाई बिल्डिंग हुआ करती थी उन्हें रीमास्टर्ड कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें बदल दिया जाएगा, बिल्कुल अलग होने वाला है विकेंडी 2.0 इरेंगल की तरह, ठीक है। तो यहां पर काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप डीनो पार्क में जाते हो तो भाई इसका नाम भी कुछ अलग मिलेगा और जगह देखोगे तो भी आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ब्रिज चेंज कर दिए गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको विकेंडी 2.0 बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जैसे इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को वीडियो बना के बता दूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर से कर लेना। और हां गाइस विकेंडी से रिलेटेड और एक कमाल की चीज आप सभी को मैंने बतानी है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो विकेंडी मैप के अंदर अब एक ट्रेन भी चलने वाली है। जी हां मेरे भाई विकेंडी मैप के अंदर एक ट्रेन भी चलने वाली है, आप इसमें ट्रेवल कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से। और गाइस अगर आप सोचोगे कि भाई इसे हम गाड़ी लगा के फोड़ देंगे, रोक देंगे, कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप इसके सामने आ जाते हो तो भाई शायद से आप मर भी जाओगे, ठीक है। तो व्हीकल कोई भी मत लगाना वरना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको विकेंडी 2.0 भी देखने को मिल जाएगा और 1.6 का अपडेट आने वाला है अगले महीने या फिर उससे अगले महीने, ठीक है। मतलब 2 महीने के अंदर आप सभी को गारंटी के साथ 1.6 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और 1.6 के अपडेट के अंदर काफी सारे मोड आने वाले हैं, ज़ॉम्बी मोड आने वाला है, इन्फेक्शन मोड आने वाला है और काफी सारी चीजें नई ऐड होंगी आप सभी को मैंने जैसे वीडियो में बताया। आई होप आपको ये वाली वीडियो देख के काफी ज्यादा मजा आया होगा, मजा आया तो भाई कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पे न्यू आ रहे हो तो भाई यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो 100K सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा भाई जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से करना, फ्रेंड्स में शेयर करना चाहो उन्हें भी बता देना शेयर करके भाई क्या क्या आने वाला है आगे चल के, ठीक है।